हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम के बारे में। काफ़ी बच्चों ने सवाल पूछा, सर एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा और कब तक जो है हमें जो है एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा टॉपिक। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल के साथ आप जुड़े नहीं हैं तो आप सबसे पहले लाल वाले बटन को ये जाए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जो अभी हमारी कोई नई अपडेट आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करते हैं रिजल्ट और एग्ज़ाम्स को लेके। रिज़ल्ट इसलिए क्योंकि एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट बाकी है। जी हाँ, उसका रिज़ल्ट जो है अप्रैल में आना था, एंड ऑफ द वीक में, लेकिन अभी भी उस पर जो है लोगों की जो है आशंका जो है बढ़ चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन आपका 3 मई तक हो चुका है, लॉकडाउन 2.0। जी हाँ दोस्तों, पहला लॉकडाउन आपका 14 अप्रैल को ख़त्म होने वाला था, तो उसके बाद ये होप थी कि 30 अप्रैल को तक जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा एसएससी एमटीएस का, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने की वजह से काफ़ी लोग जो है इस बात को जो चिंतित हैं कि शायद इस बार जो है रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 3 मई तक तो लॉकडाउन है। तो इसके रिगार्डिंग जो है एसएससी एमटीएस ने जो है एक नोटिस जारी की, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट जो कुछ भी है एसएससी का है, वो सारी चीज़ें जो है लॉकडाउन के बाद जो है वो नोटिस जारी करेंगे। और रिटर्न जो है दोस्तों, आपको रिटर्न जो एडमिट कार्ड मिलेगा सीएचएसएल का, उसमें आपका जो है नया जो है फॉर्मेट रहेगा, कैसे आपको एग्ज़ाम्स देना है, काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस होगा। जैसे इसमें एक चीज़ बहुत आपको देखने को मिलेगी नवीन, क्योंकि सरकार ने जो है कहा है कि काफ़ी बच्चे जो है दूर दराज से यात्रा करते हैं सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स में, और कोई भी एग्ज़ाम्स हो गवर्नमेंट का, उसमें क्या होता है दूर दूर सेंटर चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो सरकार जो है आपको आपके स्टेट में देने की जो है कोशिश करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको बहुत अच्छा जो है चांस है, क्योंकि आप अपने राज्य में ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, जहाँ बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन का माहौल था, इसके बाद भी जो है कोरोना वायरस के जो है खतरा रहेगा, इसकी वजह से जो है सरकार ने ये फैसला लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनके सेंटर्स जो है उनके स्टेट में दिया जाए, ताकि जो ट्रैवलिंग का जो ये पार्ट है वो कम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अपने ही राज्य में अपने ही घर में से जो है नज़दीकी अगर सेंटर पर जाएंगे तो ज़्यादा ये फैलने के जो है चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इस प्रकार जो है आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो ये देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस आया है कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए फिलहाल, तो यहाँ पे आपको ये नोटिस देखिए मिल जाएगी जब एडमिट कार्ड जारी होगा 3 मई के बाद। जी हाँ दोस्तों, 3 मई के पहले आप जो है इसको नहीं कुछ देख पाएंगे इसका, क्योंकि 3 मई के बाद जो है इसके नए डेट्स मिलेंगी और आपको नया एडमिट कार्ड मिलेगा। नए एडमिट कार्ड में आपको देखिएगा आपको जो सेंटर है वो आपके स्टेट में ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कीजिए। काफ़ी लोगों के पास ये अपडेट नहीं है, वो अभी भी जो है चिंतित में है कि एग्ज़ाम्स होगा या नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं हो गई भर्ती, क्योंकि भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। तो आप सभी लोग जो है होप बनाए रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप घरों में ही हैं, फिर भी आप अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपनी स्टडी को दीजिए, थोड़ा जिम कीजिए घर में ही, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप जो है फ्रेश रहे, माइंड को थोड़ा भी जो है डिस्टर्ब मत होने दीजिए इन सब बातों को लेकर, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी पाना है तो फोकस को जो है हमेशा ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।